हेलो दोस्तों, नमस्कार। रसो किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चौलाई का साग दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये चौलाई का साग है दोस्तों। अब आइए इसे हम तोड़ लेते हैं दोस्तों। तो हम उन्हीं पर जो सही पत्ते हैं उनको तोड़ लेंगे और जो नरम डंठल हैं उसे तोड़ लेंगे दोस्तों, और कड़े वाले डंठल को हम निकाल देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम तोड़ लेंगे दोस्तों। ये कड़े डंठल हैं, हम इसको निकाल देंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं जो अच्छे पत्ते हैं और नरम डंठल, हम उन्हीं को तोड़ रहे हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से सभी पत्ते हम तोड़ लेंगे। तो चौराई के साग को हमने तोड़ लिया है दोस्तों। अब आइए इसे 2 से 3 पानी अच्छी तरीके से धो लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, साग को हमने धो लिया है। अब आइए इसे हम बारीक काट लेते हैं साग को। तो इसी तरीके से साग को काट लेंगे बारीक। तो दोस्तों, साग को हमने काट लिया है। अब आइए इसे कुकर में रख के उबाल लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, गैस को हमने जला दिया है। अब इसमें कुकर को हमने रख दिया उबलने के लिए। तो आधा चम्मच हम नमक डालेंगे और 1 से 2 सीटी ढक्कन बंद करके हम साग को उबाल लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, साग में 2 सीटी लगा के हमने उबाल लिया है साग को। अब इसको हम रख देते हैं साइड में। तो आइए इसका हम साग में तड़का लगाते हैं दोस्तों। दोस्तों, गैस को हमने जला दिया, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। और दोस्तों, तड़के के लिए हमने सूखे लाल मिर्च लिए हैं, जीरा लिए हैं, लहसुन लिए हैं और प्याज लिए हैं। दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे पहले जीरा, लहसुन, साथ में हम डाल देंगे प्याज। प्याज लहसुन को हल्का भूरा कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे सूखे लाल मिर्च। सभी चीजों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। और इसमें डालेंगे दोस्तों आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इसे भी प्याज के साथ हम भून लेंगे। अब तड़के में हम डालेंगे उबले हुए साग। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे थोड़ा सा। हम साग में उबालते समय पहले भी डाल रखे हैं तो ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा सा ही डालिएगा स्वाद अनुसार। और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से साग को बिल्कुल चला देंगे और 5 मिनट साग को ढक के हम पका लेंगे। तो दोस्तों, साग हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। गैस को हम बंद कर दे रहे हैं और साग को एक बर्तन में निकाल लेते हैं दोस्तों। ये काफ़ी बेहतरीन बना हुआ दोस्तों, खाने में बहुत ही मज़ा आएगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, चौराई का साग हमारा बिल्कुल बनके
तैयार है दोस्तों। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है दोस्तों और बहुत ही मज़ा आएगा आपको दोस्तों। ये शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों, तो इस तरीके से बनाएं और परिवार और बच्चों के साथ दोस्तों के साथ मज़े से खाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।